तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रभु जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रभु जी जिसका दाव दादा तेरे फुल सिंह जी सिंह जी पूछे आगे थोड़े दो डीपीएससी ने सेकेंडरी स्कूल तभी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस ऑनलाइन एडमिशन ओपन विजिट dpsajmer.in। मैं एनएसए का कार्यकर्ता हूं और एक आम स्टूडेंट भी हूं, एक आम नागरिक भी हूं। आज मैंने नरेंद्र असुर नामक असुर का मैंने वेश धारण किया है, क्योंकि जो नरेंद्र असुर है जो धरती पर वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में आया हुआ है और उसने जीडीपी खाली, देश को बेरोजगार कर दिया, स्टूडेंट्स की नौकरियां खाली, वो हर तरह से किसान मर रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं है। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? कि किसी को आवश्यकता नहीं है, सभी को पेट्रोल चाहिए, सभी को डीजल चाहिए। किसान है, किसान को भी पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है और लगातार। आज क्या करने वाले थे आप लोग और आज क्या हुआ? आज हम यहाँ नरेंद्र मोदी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि देश को सही तरीके से सत्तापूर्वक ढंग से चलाए। ये देश है, ये कोई मजाक नहीं है जो कभी क्या बढ़ रहा है, कभी क्या बढ़ रहा है। पुतला जलाने वाले थे आज, हमने पुतला इसलिए जलाया क्योंकि हमारे सहयोगी पुलिस कर्मी है, उन्होंने हमें इसकी इजाजत नहीं दी, हमने उनको कोऑपरेट किया, इस वजह से हमने आज पुतला नहीं जलाया। लाठी चार्ज की शंका है, उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष कॉलर पकड़ी थी और जहाँ तक एक दो पे लाठी चार्ज भी हुआ था। मेरा नाम नरेंद्र असुर है, मैं देश को बर्बाद करने आया हूँ। अजमेर एनएसए द्वारा जिस प्रकार से आए दिन मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के आए दिन रेटें बढ़ाई जा रही है, इस महामारी कोरोना महामारी के चलते एक तरफ मोदी जी को देश के गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्ग का हित के अंदर फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से किसानों खेती बाड़ी का समय आया है, आए दिन डीजल की रेटें बढ़ाई जा रही है। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार होने वाला है, पहली बार इतिहास के अंदर दोनों के रेट बराबर होने वाले हैं और मोदी इसके ऊपर ना कुछ कहना चाह रहे हैं ना कुछ। और आए दिन डेली के चाहे एक पैसा बढ़ो, चाहे 10 पैसे बढ़ो, चाहे 1 रुपये बढ़ो, डेली बढ़ाई जा रहे हैं। इसको लेकर के आज हमने शांति पर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ वसूल की गई, मेरे दो कलर शर्ट पकड़े गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया जो गलत है, बिल्कुल निंदनीय। हम शांतिपूर्वक एक सर्किट पर चक्कर काट के हम यही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आज मोदी जी का हमने एक लड़के को भूत का रूप में, भूत का ड्रेस पहनाया, हम कपड़ा पहनाया, किस प्रकार से मोदी जी आज देश की अर्थव्यवस्था को निकल के 70 साल के अंदर कांग्रेस ने किस प्रकार से देश को सींचा, इस ऐसी अर्थव्यवस्था देश की स्थिति पे आई, अच्छी स्थिति पे आई, लेकिन मोदी जी पूरी अर्थव्यवस्था को निकल गया एक राक्षस की तरह। आज जीडीपी गिर रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके आज हमने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन को हमने कोऑपरेट किया, उन्होंने मना किया हमारे को, तो हमने उनको कोऑपरेट किया और पुतले हमने नहीं जलाया। आपका नाम नवीन सोनी, अजमेर एनएसयू जिलाध्यक्ष। लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि कोई किसी बात को लेकर अगर अपना मंतव्य अगर सरकार से भिन्न है या किसी व्यक्ति से भिन्न है तो अपनी अभिव्यक्ति करे, तो एनएसयू के लड़कों ने यह अभिव्यक्ति की अपनी, शांतिपूर्ण था, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उन्होंने किया है। पुतला जलाने वाले थे, पुतला इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि चूँकि भारत के प्रधानमंत्री है तो पुतला नहीं जलाएंगे, तो इन्होंने पुतला नहीं जलाया। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, ये तो केवल इनका चौराहे तक जाने का मंतव्य था, और चूंकि चौराहे तक जाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, राजस्थान सरकार ने, गृह विभाग ने एक आदेश निकाला था, तो चौराहे से जाने से रोका, तो इन्होंने कहा कि किस तरह से पुलिस पर दबाव बनाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, शांतिपूर्ण, बच्चे अच्छे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने कर दिया।